हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में 7 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो आता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चले स्टार्ट करते हैं। हम लोग न्यूज हेडलाइंस देखते हैं। सबसे पहला न्यूज हेडलाइन है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले पहले राज्य बन गए हैं। दूसरा है गुजरात, 4000 गांव किसान सूर्योदय योजना के दायरे में आ गए हैं। किसान सूर्योदय योजना कौन से राज्य की योजना मेरे दोस्तों? गुजरात। चलते हैं तीसरी खबर पे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म से लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया, लासी सर्वे बोलते हैं, पर इंडिया रिपोर्ट भी वन जारी की। लासी जो सर्वे है, भारत में उम्र दराज हो रही आबादी के स्वास्थ्य आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारक और परिणामों की वैज्ञानिक जांच का एक राष्ट्रीय व्यापक सर्वे है। इस सर्वे इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में 60 प्लस वाली जो आबादी है वो भारत की आबादी का 8.6% थी, यानी लगभग 103 मिलियन लोग थे। और अभी जो है इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि 2050 में ये जो आबादी है जनसंख्या का 20% हो जाएगी और लगभग 319 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो वर्धजनों की आबादी है, 60 प्लस वाले उम्र वाले लोग की आबादी। हम चलते हैं कल के सवाल के जवाब की। सवाल तुम्हारा, नरेगा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? जो नरेगा जो अधिनियम है वो 2 फरवरी 2006 को हमारे देश में लागू हुआ था। नरेगा के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जो नरेगा है एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसका एक एंटाइटलमेंट है, और इसके तहत 100 दिन का रोजगार मिलता है कोई भी आदमी जो अकुशल काम करने को तैयार है उसको। 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान करना होता है और 15 दिन के अंदर काम भी उपलब्ध कराना होता है। इसमें हम देखेंगे जो भी इंडिया ने अंटार्कटिका पे जो 400 साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 40वां जो एक्सपेडिशन है वो कौन से पोत के ऊपर गया? MV वासिली गोलोविन। और सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक अभियान कब गया था अंटार्कटिका पे? 1981 में। भारत ने अब तक वहां 3 स्टेशन बनाए, उनका नाम है, पहला दक्षिण गंगोत्री 1983 में बनाया था, दूसरा मैत्री 1989 में, तीसरा भारती जो कि 2015 में बनाया गया था। जो 1983 में जो गंगोत्री बना था, दक्षिण गंगोत्री, इसकी खुदाई 1989 में की गई थी और इसका इस्तेमाल अभी फिलहाल आपूर्ति आधार और पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। और जो मैत्री स्टेशन है भारत का दूसरा नंबर का था, ये प्रियदर्शनी झील के पास में स्थित है और इसने सिमसेर ओसिस के भूआकृति विज्ञान मानचित्रण के मिशन को पूरा किया है। और जो तीसरा नंबर का जो मिशन है भारती, उसने भारतीय उपमहाद्वीप के 120 मिलियन वर्ष पुराने प्राचीन इतिहास को प्रकट करने के लिए कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप के साक्ष्य एकत्र करेगा। अंटार्कटिका में जो मिशन है, जो बेस है, स्टेशन है, उनको मैनेज कौन करता है? हमारे गोवा में स्थित है एक नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो कि इन सभी की देखरेख करता है। हम चलते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर। आज का पहला सवाल है, एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2020 जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था, किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में हो रही है जनगणना, एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोलेरू लेक भी आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा सेंचुरी भी आंध्र प्रदेश में है। हम चलते हैं दूसरे सवाल पे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने हाल ही में भारत के पहले सोशल इंपैक्ट बॉन्ड को बनाने के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ में समझौता किया है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने सोशल इंपैक्ट बॉन्ड लाने के लिए। और सोशल इंपैक्ट बॉन्ड के तहत पहले आउटकम डिफाइन किए जाते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट के, कि आपको ये टारगेट अचीव करने हैं तभी आपको इसका पेमेंट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एक आउटकम ओरिएंटेड इनिशिएटिव है सोशल इंपैक्ट मोड। हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है आदित्य L1 जो मिशन है उसके बारे में। सवाल है, कौन सा मिशन सूर्य के लिए पहला भारतीय वैज्ञानिक अभियान है? इसका नाम है आदित्य L1, इसरो भेजेगा। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1972 में। इसरो के चेयरमैन कौन? अभी के सिवान जी, उनको वोन कर्मन पुरस्कार मिला था। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। हम चलते हैं आज के चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है, मोरमुगाव पोर्ट किस भारतीय राज्य में स्थित है? मोरमुगाव पोर्ट मेरे दोस्तों गोवा में है।
गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। गोवा के अभी राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। हम चलते हैं आज के पांचवे सवाल पे। पांचवा सवाल है, कौन सा देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो बिल है इसके तहत USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये पाकिस्तानी महिलाओं को पाकिस्तान स्थित उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति के तहत कम से कम 50% छात्रवृत्ति देगी और 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाते हैं। हम चलते हैं आज के छठे सवाल पे। किस मंत्रालय ने अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। चलते हैं सातवें सवाल, कौन से देश ने सैनिटरी उत्पादों पर लगने वाले 5% टैम्पॉन टैक्स को समाप्त कर दिया है? यूके। ब्रिटेन ने समाप्त किया टैक्स। ये जो टैक्स है महिलाओं के सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे लगता था और 1 जनवरी 2021 से इस टैक्स को खत्म कर दिया यूके ने। बहुत ही अच्छी बात है। अभी यूके के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। हम चलते हैं आठवें सवाल पे। आठवां सवाल है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटका का है। बहुत ही फेमस फोक डांस, आप याद रखो इसको। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और वहां के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। हम चलते हैं आज के नवे सवाल पे। नवा सवाल है, थाईपुसम त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? थाईपुसम त्योहार मनाते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित जी। हम चलते हैं आज के दसवें और आखिरी सवाल पे। दसवा सवाल है, कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू करेगी? मध्य प्रदेश। हमारे शिवराज सिंह जी हैं वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने इनिशिएटिव किया उठाया है। और ये जो प्रोजेक्ट होगा उसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट होगी और ओमकारेश्वर डैम के ऊपर बनाएगा जो कि नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को। 526 टाइगर थे 2018 के जनगणना के अनुसार। और वहां पे जैसे कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, ये सब टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है मेरे दोस्तों। हम चलते हैं टेबल ऑफ जीके फैक्ट्स की तरफ। पहला है BNHS। BNHS की फुल फॉर्म है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। दूसरा LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तीसरा है MPLADS, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। 1993 में शुरू हुई थी ये योजना। आगे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। आगे है कर्नाटक गवर्नर वजुभाई वाला। आगे है कर्नाटक CM BS येदियुरप्पा। आगे यूनियन कोल एंड पार्लियामेंट्री मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। और अगला है लास्ट का द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, किसका मेमोयर है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। हम चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जिसको बोलते हैं MPLADS स्कीम, किस वर्ष में शुरू किया गया था? दोस्तों आप इस योजना का, आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। साथ में आप जो भी जानकारी रखते हैं इस योजना के बारे में वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो